यूक्रेन को लेकर रूस और नाटो के बीच उपजा तनाव अब दुनिया के दूसरे देशों को भी प्रभावित कर रहा है। पूर्वी यूरोप के युद्ध के खतरे के बीच यूक्रेन में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे तकरीबन 20,000 भारतीय छात्र भी अब आफत में पड़ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकांश भारतीय छात्र पश्चिमी यूक्रेन में रहते हैं, जबकि तनाव की स्थिति पूर्वी बॉर्डर पर है। यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के मुताबिक भारत के मेडिकल कॉलेजों में करीब 88,000 सीटें हैं, जबकि 8,00,000 से ज्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं। इसके मुकाबले यूक्रेन में आसानी से उनका दाखिला हो जाता है, इस वजह से बच्चे वहां पढ़ते हैं। ये हैं अरविंद सिन्हा। इनकी 19 साल की बेटी आस्था यूक्रेन में पढ़ाई करती है, लेकिन अब वो अपनी बेटी को लेकर चिंतित हैं। अब वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द यूक्रेन से वापस भारत लाया जाए। वहाँ की पब्लिक और स्टूडेंट, वो युद्ध का जो डिक्लेरेशन हुआ है यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से, सो वो लोग काफ़ी चिंतित है कि हमारा क्या होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पेरेंट्स ने सबने मिलके कल मीटिंग में भी हम लोगों ने तय किया था कि सरकार को इसका प्रेजेंटेशन करें और हमारे बच्चे वापस लाए सेफली। बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं कि हम कब वापस जाएंगे, और उससे भी ज़्यादा डर उनको ये है कि मान लो कि अगर वॉर हो गया तो कनेक्टिविटी सारी खत्म हो जाएगी, ना तो हम बच्चों से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे, ना तो बच्चे हमसे कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के पेरेंट्स काफी चिंतित हैं और वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द यूक्रेन से भारत लाया जाए। आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि यूक्रेन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वहां रह रहे भारतीयों को और खासकर छात्रों से अपील की गई है कि यूक्रेन में रहना अगर बहुत जरूरी ना हो तो वो वापस लौट सकते हैं। भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वे यूक्रेन में अपना स्टेटस साझा करें, इसके अलावा किसी भी तरह की मदद की स्थिति में वो संपर्क करें ताकि उन तक पहुंचा जा सके। यही नहीं, दूतावास ने यह भी साफ किया है कि फिलहाल यूक्रेन में उसका काम सामान्य तरीके से चल रहा है। इस बीच भारत में इजराइल के राजदूत ने यह कहा है कि तकरीबन 15,000 जो हैं इजरायली लोग यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं, साथ ही वहां पर बड़ी संख्या में ज्यूइश कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ऐसे में ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों की देखभाल करें। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, जापान, लतविया, नॉर्वे, नीदरलैंड, अमेरिका समेत भारत ने अपने लोगों को यूक्रेन छोड़ने को कह दिया है, क्योंकि वहां पर हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में रूस इस बात का दावा कर रहा है कि वो अपने सैनिकों को बेलारूस के बॉर्डर से वापस बुला रहा है, लेकिन ये संख्या कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी संख्या में सैनिक वापस जा रहे हैं, इसको लेकर कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। ऐसे में अभी भी पश्चिमी देशों को ये लगता है कि हालात गंभीर हैं और अगले 24 से 48 घंटों में कुछ भी हो सकता है।